अलमेकम एवरी वन नर्व सिस्टम की असेसमेंट में हमने फर्स्ट uh, इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने मेंटल स्टेटस की असेसमेंट करना सीखा था जिसका जो सेकंड स्टेप है उसमें हम क्रेनियल नर्व्स की असेसमेंट करना सीखेंगे सो so, इस वीडियो में हम डिस्कस uh, करेंगे असेसमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स फंक्शन सो क्रेनियल नर्व्स क्या हैं वो नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं और ये टोटल ट्वेल्व पेयर में होती हैं सो so, जो क्रेनियल लव्स की असेसमेंट होती हैं वो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कंडीशन के लिए स्पेशली ब्रेन स्टेम के लिए क्योंकि उनकी जो लोकेशन होती है वो क्रेनियम यानी ब्रेन में होती है दैट्स वाई सम क्रेनियल लव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वलनरेबल होती हैं टू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इंट्रा क्रेनियल प्रेशर यानी थोड़ा भी अगर इंट्रा क्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो क्रेनियल नर्व्स so, है उनके फंक्शन में अफेक्ट होगा सो देअर फोर क्रेनियल नर्व्स की असेसमेंट जो मेन फोकस्ड है इंट्रा क्रेनियल प्रेशर पे वो फोर है जिनको हम की नर्व्स बोलते हैं अब नीचे जो टोयल पेयर है क्रेनियल uh, लर्वस का इनके ऊपर जिसमें जिसके ऊपर की है वो समझो कि की, की नर्व्स हैं उसके बाद आपने कुछ अदर नर्व्स को भी इवेल्यूएट करना है अगर पेशेंट की हिस्ट्री और उसके सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं किसी पोटेंशियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को तब आपने दूसरी नर्व्स को भी एवेल्युएट करना है और उसके साथ साथ अगर आप पूरी कंप्लीट नर्व सिस्टम की असेसमेंट कर रहे हैं तब भी आप टोयल पेयर जो हैं क्रीनियल नर्व्स के उनको आपने असेस करना होता है लेकिन मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो कौन से हैं फोर है ठीक है कौन से यहाँ पर नंबर वन है ऑप्टिक ठीक है देन ओक्यूलोमोटर उसके अलावा ट्रोकुलियर एंड देन है एबड्यूसन ये फोर की नर्व्स से ठीक है जिनको हमने असेस करना होता है तो वन बाय वन करके हम सबके डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी सो नंबर क्रेनियल नंबर नर्व वन जो है वो है ऑल्फेक्ट्री इसका काम होता है स्मेल में क्रेनियल नर्व सेकंड है ऑप्टिक ठीक है जिसका काम है विजन में और क्रेनियल नर्व जो थर्ड है ऑल्फैक्ट्री ऑप्टिक एंड ओक्यूलो मोटर ओक्यूलो मोटर का काम होता है मोस्ट आई मूवमेंट में प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्शन का मतलब है जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है उसके अलावा अपर आईलेट की एलिवेशन में भी क्रेनियल नर्व थ्री का काम होता है देन क्रेनियल नर्व फोर इज ट्रोकुलियर ट्रोकिलियर का काम होता है सिंपली आई की मूवमेंट को डाउन एंड इन करवाना ओके okay, ये सिंपली ट्रोकिलियर का काम होता है देन ट्रोकिलियर के बाद नर्व आती है हमारे पास ट्राईजिमिनल जिसको हम क्रेनियल नर्व फाइव बोलते हैं ट्राईजिमिनल का काम होता है चूविंग कॉर्नियल रिफ्लेक्स फेस एंड स्काल्प में जो सेंसेशन होती है उनको भी कौन डिटेक्ट करवाती हैं क्रेनियल नर्व फाइव देन ट्राइजिमिनल के बाद क्रेनियल नर्व सिक्स आती हैं एबडियोसिन एबड्यूसिन का सिंपली काम होता है आई की लेटरल मूवमेंट करवाना ये सिंपल इसका काम है क्रेनियल नर्व सिक्स का देन क्रेनियल नर्व सेवन आती है जिसका नाम है फेशियल क्रेनियल नर्व अब इसका काम क्या है ये बेसिकली एक्सप्रेशन देती है फोरेड में आई और उसके अलावा माउथ टेस्ट सेलिब्रेशन एंड टियरिंग ये इसके फंक्शन है देन है क्रेनियल नर्व एट आ, क्रेनियल नर्व एट क्या है एकोस्टिक ठीक है एकोस्टिक क्रेनियल नर्व का सिंपली क्या काम होता है इनके दो काम होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हियरिंग प्लस में बैलेंस ठीक है उसके बाद क्रेनियल नर्व हमारे पास आती है नाइन जिसको हम बोलते हैं ग्लासो ग्लोसोफेरेंजल ग्लोसोफेरेंजल का काम होता है स्वेलोविंग में उसके अलावा सेलिब्रेटिंग में और टेस्ट में देन क्रेनियल नर्व टेन जिसको हम बोलते हैं वेगस सो वेयर इज द वेगस कैन यू सी हेयर सो दिस वन इज वेगस सो क्रेनियल नर्व वेगस एक तो बहुत ज़्यादा लंबी होती है ठीक है लॉन्ग होती है जो नीचे तक एक्सटेंड करती है इसके काम क्या है यानी फंक्शंस स्वेलोविंग में काम आती है गैग रिफ्लक्स में टकिंग सेंसेशन ऑफ थ्रोट लेरिंग्स और जो एब्डोमिनल वाइसरा है जिसमें एक्टिविटी ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल वाइसरा जैसे कि हार्ट रेट और पेरेस्टेलिस में भी वेगस नर्व का काम होता है देन क्रेनियल लव एलेवन जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल एसेसरी स्पाइनल एसेसरी का फंक्शन होता है शोल्डर की मूवमेंट और हेड की रोटेशन करवाना देन लास्ट क्रेनियल लर्व जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लोसल ये बेसिकली टंग मूवमेंट में हेल्प करती हैं तो ये टोटल क्रेनियल नर्व्स थी ट्वेल्व जिसका हमने डिस्कस भी कर लिया और उनके फंक्शन को भी डिस्कस कर लिया अब यहाँ से भी एम आ सकते हैं कि कौन सा काम यानी कौन सा फंक्शन कौन सी नर्व का होता है सो so, अब ये क्या कह रहा है आइडेंटिफाइंग क्रेनियल नर्व्स क्रेनियल नर्व्स के पास सेंसरी फंक्शन भी होते हैं मोटर फंक्शन भी होते हैं और कुछ के पास तो दोनों ही होते हैं यानी वो सेंसरी भी आ, सेंस भी कर सकती हैं उसके अलावा मोटर भी कर सकती हैं जैसे कि ट्राइजिमिनल नर्व इस ये सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है सो so, ये जो इलस्ट्रेशन है आई होप कि आपको इसने हेल्प किया होगा अंडरस्टैंड करने में सो so, अब हम असेसमेंट करेंगे सबसे पहले कौन से हमारे पास नर्व आती हैं ओल जिसको हम क्रेनियल नर्व वन बोलते हैं अब इसको किस तरह से हम असेस करेंगे सो so, आस्ट द पेशेंट टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू कॉमन सबिस्टेंस अब दो ऐसे कोई कॉमन सबिस्टेंस आपने लेने हैं जो जिससे जो पेशेंट है वो फेमिलियर हो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दो मोस्ट कॉमन सबिस्टेंस लिए हैं कॉफी एंड सिनेम अब आपने कोई ऐसी शार्प या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो तो वो वाली चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो है वो एलर्जिक भी होते हैं किसी खुशबू वगैरह से तो डेट्स वाई आपने कॉमन सब्सटेंस यूज करने हैं जिसकी जो स्मेल या फिर टेस्ट हो वो आ, शार्प नहीं हो ठीक है मेक श्योर द पेशेंट नोस्टल्स आर पैटर्न आपने पेशेंट की नोस्टल्स को देखना है इंस्पेक्ट करना है कि दोनों पैटर्न हैं या नहीं है बिफोर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट सो इस तरह से आप और फैक्ट्री नर्व की असेसमेंट करेंगे उसको बोलेंगे पहले अपनी आंखों को बंद करें ठीक है आंखों को बंद करके आपने कॉफ़ी या फिर सिनामोन आप उसको देंगे और उसको स्मेल करवाएंगे फिर उससे पूछेंगे कि ये कौन सा सबस्टेंस है अगर वो स्मेल कर रहा है सही से आंसर दे रहा है तो इट मीन्स उसकी जो ऑल्फैक्ट्री नर्व है वो सही से काम कर रही है क्योंकि ऑल्फैक्ट्री नर्व का काम क्या है स्मेल करना देन हमारे पास सेकेंड नर्व है ऑप्टिक ठीक है ऑप्टिक नर्व में आप विजुअल uh, एक्टिविटी को टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग स्नेलिन चार्ट एंड रोजन बम नियर विजन कार्ड अब ये हम जब आइस और उसके अलावा ईयर्स की असेसमेंट करेंगे इसका आ, दूसरा चैप्टर है ठीक है तो उसमें हम इनको डिस्क, डिस्कस करेंगे डिटेल से उसके अलावा आपने यूज़ करना है कन्फ्रंटेशन टू तो असेस विजुअल फील्ड्स और आपने ऑप्टिक फंडाई को एग्जाम करना है क्योंकि यहाँ से भी आपको आय से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और डिजीज के बारे में पता चलता है तो इस तरह से आप ऑप्टिक नर्व को असेस करेंगे अदरवाइज इसके लिए इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जिसमें हम कंप्लीट आई की असेसमेंट को डिस्कस करेंगे देन ओक्यूलोमोटर ट्रोकुलियर एंड एबड्यूसन इन तीनों नर्व्स को आपने एक साथ असेस करना है असेस दिस नर्व टुगेदर यूजिंग द कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट उसके अलावा है सिक्स कार्डिनल पोजिशन एंड गेस ठीक है अब ये आ, ये भी टेस्ट हैं जो कि यूज होती हैं आइज़ के लिए और इन्होंने बोला है कि आपने जाना है पेज नंबर थर्टी फाइव के ऊपर ठीक है थर्टी फाइव के ऊपर ये जो सिक्स कार्डिनल पोजीशन है उसके अलावा कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट है उसको उसकी मदद से आप ओक्यूलोमोटर ट्रोकिलियर और एबड्यूसिन नर्व की असेसमेंट कर सकते हैं ठीक है ऑल्सो आपने इंस्पेक्ट करना है साइज़ शेप सिमेट्री ऑफ प्यूपिल एंड प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट यानी आपने दोनों आँखों के जो प्यूपिल हैं उनकी साइज़ चेक करनी है कि क्या दोनों आइस में जो प्यूपिल हैं वो सेम है उनकी शेप चेक करनी है और उसके अलावा उनकी सिमेट्री चेक करनी है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं उसके बाद आपने प्यूपल्स को जो प्यूपलरी रिएक्शन है टू लाइट यानी जब आप उसके आइस में लाइट लगाएँगे तो जो है ना दोनों प्यूपल सेम साइज़ में कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए और जब आप लाइट को वहाँ से हटाएंगे रिमूव करेंगे तो दोनों पीपल्स सेम साइज़ में एक्सटेंड यानी एक्सटेंड uh, होने चाहिए ठीक है कंस्ट्रिक्ट या फिर एक्सटेंड uh, तो इस तरह से आप ऑक्यूलोमोटर ट्रोक्यलियर एंड एबड्यूसिन नर्व को असेस करेंगे तो हम जाते हैं पेज नंबर थर्टी फाइव पर uh, इसके असेसमेंट में हम इनको पूरा डिस्कस करेंगे लेकिन फिर भी हम जाते हैं ऊपर सॉरी फॉर disturbance. हाँ जी ओके तो ये है आपके पास फॉर टेस्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स आपने पेशेंट को देखना बोलना है कि वो स्ट्रेट देखें देन शाइन अ पेन लाइट ऑन ब्रिज ऑफ हिस नोज़ फ्राम ट्वेल्व टू फिफ्टीन या फिर थर्टी पॉइंट फाइव टू थर्टी एट सेंटीमीटर के फासले से आपने एक शाइन पेन लाइट को ब्रिज करना है उससे जो उसके नोज़ की ब्रिज है वहाँ से आपने पेन लाइट को शाइन करना है उसकी आंखों में जो लाइट शुड फॉल एट सेम स्पॉट ऑन ईच कोर्निया यानी जो आइज़ के कॉर्नियाँ है दोनों आइज़ में जो लाइट है वो सेम ही स्पॉट uh, पे लाई करने चाहिए फॉल करनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता द आइज़ आर नॉट बीग हेल्ड इन सेम प्लेस बाय द एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल यानी जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल है उसमें कोई डिफॉल्ट है जिसकी वजह से जो आइज़ है वो सेम प्लेन पे नहीं लोकेट की हुई सो द पेशेंट लाइकली लेक मसल कोआर्डिनेशन ठीक है इन इस इससे हमें क्या पता लगता है कि जो पेशेंट की मसल कोआर्डिनेशन है वो लेक है कम है जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्राबिसमस ठीक है इस कंडीशन को हम बोलते हैं देन है सेकंड टेस्ट जिसको हम कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेस बोलते हैं कार्डिनल पोजिशन ऑफ गेस में आप इवेल्यूट करते हैं ओक्यूलोमोटर ट्राइजिमिनल एंड एबड्यूसन क्रेनियल लर्व्स को फॉर एंड द एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल ठीक है इसमें आप किस तरह से बोलेंगे सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे कि रिमेन स्टिल वाइल यू होल्ड अ पेंसिल और अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिस नोज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट एटीन और फोर्टी फाइव सेंटीमीटर आपने उस पेशेंट को बोलना है जो आपने हाथ में अपनी चीज़ ली हुई है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर के फासले पर आपने उसको बोलना है कि उसके ऊपर देखें फिर उसने उसको आपने बोलना है जिस तरह से यानी जिस डायरेक्शन में मैं अपने हैंड में दी रखी हुई ऑब्जेक्ट को मूव करवाऊँ तो आपने भी आईज़ को वहाँ पे मूव करना है लेकिन अपने हेड को मूव नहीं करना जस्ट आपने अपनी आईज़ को मूव करना है उसके बाद आप क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे ईच आफ्टर सिक्स कार्डिनल पोजिशन अब वो सिक्स कार्डिनल पोजिशन कौन सी है ठीक है सिक्स कार्डिनल पोजीशन तक पे मूव करके आपने रिटर्न करना है मिड पॉइंट में आफ्टर ईच मूमेंट यानी आपने एक साइड uh, पे अपने हैंड को मूव किया फिर आप सेम उसी मिड पॉइंट पर आएंगे फिर मिड पॉइंट से वापस दूसरी पोजीशन पे जाएंगे सो so, ये हैं वो सिक्स कार्डिनल गैस पोजीशन जिसमें सबसे पहले आप उसको बोलेंगे राइट सुपीरियर यानी जिस तरह से ये जो मेन है वो आइस की मूवमेंट कर रहा है देन आप उसको बोलेंगे कि लेफ़्ट सुपीरियर यानी आ, लेफ्ट साइड में सुपीरियर देखना है उसको फिर आप उसको बोलेंगे राइट लेटरल यानी राइट साइड में लेटरल ही देखना है देन आपने अपने हैंड को मूव करवाना है लेफ्ट इन्फीरियर सॉरी लेफ्ट लेटरल ठीक है इसमें क्या होता है कि वो लेफ्ट साइड में लेटरली अपनी आइज को मूव करवाएगा देन अगेन आपने मिड पॉइंट पर आके क्या करना है उसको बोलना है राइट इन्फीरियर यानी राइट साइड में नीचे देखें फिर लेफ्ट साइड में नीचे देखें फिर उसके बाद आप उसको आ, इस तरह से जो है ना ये टोटल सिक्स पोजिशन हो गई ओके okay? तो इस, इस तरह से आप उसकी कॉमन जो है कार्डिनल पोजिशन पर उसकी गैस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नॉर्मल है या नहीं सो नोट यहाँ पर क्या नोट करना है एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग सचेज नेस्टिक मंस इन्वोलेंट्री रिथमिक ऑसिलेशन ऑफ आई और एम एल एम्ब्लियोपिया फेल्यूअर ऑफ वन आई टू फॉलो एन ऑब्जेक्ट एब्नॉर्मल में आपके पास दो चीज़ें मिलेगी नंबर वन इज़ नेस्टेगमस जिसका क्या मतलब हुआ इन्वोलेंट्री और रिद्धमिक एक है किसकी आईबाल की यानी वो सही से आईबॉल्स को मूव नहीं कर पा रहा उसके बाद जो सेकेंड आपके पास कंडीशन मिलेगी एबनॉर्मल uh, फाइंडिंग मिलेगी एम्ब्लियोपिया जिसका क्या मतलब है फेल्यूर ऑफ वन आई टू फॉलो एन ऑब्जेक्ट यानी एक आय जो है वो तो सही से फॉलो कर रही है आप आपके ऑब्जेक्ट को लेकिन जो दूसरी आय है वो आपके कमांड्स को यानी जो जिस साइड में आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं वहाँ पे फॉलो नहीं कर रही तो इनको ही हम सिंपली बोलते हैं कार्डिनल पोजिशन ऑफ गेस अब हम वापस जाते हैं अपनी स्लाइड पर ओके okay. सो so, यहाँ पर हो गई ओक्यूलोमोटर मोटर ट्रोकुलियर एंड एबड्यूसन की असेसमेंट उसके बाद मेन नर्व जिसको हम ट्राईजिमिनल नर्व बोलते हैं उसकी असेसमेंट करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए सो टू असेस द सेंसरी कंपोनेंट ऑफ ट्राईजिमिनल नर्व हमने पढ़ा था कि जो ट्राईजिमिनल नर्व है वो मोटर और सेंसरी दोनों होती है ठीक है तो पहले आपने क्या करना है उसके सेंसरी कंपोनेंट को असेस करना है तो सेंसरी कंपोनेंट को असेस करने के लिए आप क्या करेंगे पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी आइज को क्लोज करें ठीक है उसको क्लोज़ करके आपने एक सॉफ्ट सी चीज़ लेनी है जैसे कि कॉटन हो गया अब ये कॉटन आपने तीन चीज़ों जो तीन पोजिशन है वहाँ पर अप्लाई करना है और उसको बोलना है कि क्या उनको सेंस हो रहा है जब आप उसके ऊपर कॉटन टच कर रहे हैं तो वो कौन सी तीन एरिया है नंबर वन इज़ फोर एड सेकेंड इज़ चीक एंड थर्ड इज़ चा सो अगर उसने सेंस किया तो इट मींस उसका जो सेंसरी कंपोनेंट है ट्राइजिमिनल का वो नॉर्मल है नेक्स्ट आपने टेस्ट करना है पेन के परसेप्शन को बाय टचिंग द टिप ऑफ सेफ्टी पिन टू द सेम थ्री एरिया ठीक है पहले आपने सॉफ्ट चीज़ से उसको असेसमेंट करनी है उसके बाद आपने शार्प चीज़ लेनी है कि क्या उसको पेन की परसेप्शन हो रही है इसमें आप सेफ्टी पिन जो है आपके पास उसकी शार्प इंड को टच करना है उन्हीं सेम एरिया में कौन सी फॉरेड चीक एंड जा ठीक है उसके बाद आपने पेशेंट को आस करना है कि क्या वो इनके बीच में कंपेयर कर पा रहा है कंपेयर का मतलब क्या कि आप उसको कॉटन रखेंगे फिर सेफ्टी पिन टच करेंगे उससे पूछेंगे आंखें उसकी बंद होगी उससे आप पूछेंगे कि क्या अब मैंने कॉटन को टच किया या फिर सेफ्टी पिन को टच किया अगर ये कंपेयर कर रहा है तो इट मींस इट्स ट्राइजिमिनल नर्व आर गुड ओके उसके बाद आपने सेकंड क्या है इसका मोटर कंपोनेंट आपने मोटर कंपोनेंट को टेस्ट करना है पेशेंट को बोलना है टू क्लेंज हिज टीथ वाइल यू पल्पेट टेम्पोरल एंड मेस्टेरस मसल्स पेशेंट को आपने बोलना है जब मैं आपके टेम्पोरल और मस्टेरिस मसल्स को पल्पेट करूं तो अपने टीथ को क्लेंच करें नोट द स्ट्रेंथ ऑफ मसल कंट्रैक्शन उसमें उसके बाद आप क्या करेंगे मसल्स की कंट्रैक्शन को जो स्ट्रेंथ है उसको नोट करेंगे इट शुड बी इक्वल बायोलिट्रली यानी दोनों साइड में जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए तो यहाँ पर मोटर कंपोनेंट भी हो गया उसके बाद आप टेस्ट करेंगे इसका कॉर्नियल रिफ्लैक्स अब ये कॉर्नियल रिफ्लक्स क्या है इसके लिए नीचे ये है असेसिंग कॉर्नियल रिफ्लक्स कॉर्नियल रिफ्लक्स को टेस्ट करने के लिए आप एक कॉटन लेंगे ठीक है टच अ विस्प ऑफ कॉटन फ्रॉम अ कॉटन बाल्ट टू दॉर्निया एसोन जिस तरह से एक कॉटन से ये टच कर रहा है कॉर्निया को इस तरह से आपने पेशेंट की कॉर्निया में कॉटन को अप्लाई करना है टच करना है उसके बाद पेशेंट शुड ब्लिंक जब जैसे ही आप उसकी कॉर्निया पे कॉटन से टच करेंगे तो साइमटेनियसली पेशेंट ब्लिंक करना चाहिए अगर ये कर रहा है साइमटेनियसली ब्लिंक, uh, तो इट मीन्स जो आपकी कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो नॉर्मल है सो so, ही अगर नहीं कर रहा सो ही मे हैव सफ़र डैमेज टू सेंसरी फाइबर ऑफ क्रेनियल नर्व फाइव अगर ये साममलटेनली दोनों आंखों को ब्लिंक नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि जो क्रेनियल नर्व फाइव है उसके सेंसरी फाइबर में कोई डैमेज है और उसके मोटर फाइबर्स में ठीक है जो कि कंट्रोल करते हैं क्रेनियल नर्व सेवन को तो इस तरह से आपने उसको असेस करना है इसके लिए एक दूसरा नोट भी है वो क्या है आपने एक चीज़ याद करनी है कि ऑलवेज आपने अगर कॉर्नियल रिफ्लेक्स को टेस्ट करना है तो उसके लिए आपने कॉटन का विस्प लेना है ठीक है इवन अगर आपके पास फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाई फोर्टी नाइन गेज का पेड़ भी है या फिर कोई सॉफ्ट टिश्यू है वो भी आपकी कॉर्निया को इरीटेट कर सकता है और उसको आ, एब्रेशन कर सकता है तो इसी हमेशा आपने कॉर्नियल टेस्ट के लिए क्या यूज़ करना है कॉटन यूज़ करनी है सो so, यहाँ तक हो गई ट्राई की असेसमेंट उसके बाद क्रेनियल लर्व जो फेशियल नर्व है उसकी असेसमेंट करेंगे सो टू असेस द सेंसरी कंपोनेंट टेस्ट टेस्ट बाय प्लेसिंग आइटम विथ वेरियस टेस्ट्स अब सेंसरी कंपोनेंट को असेस करने के लिए आप उसकी टंग पर जो वेरियस टेस्ट हैं उसको अप्लाई करेंगे टंग की कौन सी एंटीरियर पोर्शन में ठीक है फॉर एग्जांपल स्वीट के लिए शुगर यूज़ कर लिया आपने साल्ट यूज़ कर लिया उसके अलावा लेमन जूस यूज़ यूज़ किया है आपने सोर के लिए क्विनिन यूज़ किया आपने बिटर के लिए तो क्या वो जो पेशेंट है आपके पास वो सारी टेस्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि कौन सी स्वीट है कौन सी सोर है और कौन सी बिटर है ये सारी चीज़ें आपने उसको आंखें बंद करके करवानी है ठीक है और सॉरी आंखें बंद नहीं उसको पूछना है कि क्या ये फील कर रहा है कि ये स्वीट है या बिटर है या फिर सोवर है आंखें नहीं बंद करवानी सो अस मोटर फंक्शन इज डिस्क्राइब द राइट सेंसरी फंक्शन तो हो गया क्योंकि जो फेशियल नर्व है वो सेंसरी भी होती है उसके अलावा मोटर भी होती है सेंसरी हो गया सेंसरी में हमने इसकी टेस्ट चेक की मोटर में हम क्या चेक करेंगे टेस्टिंग द मोटर फंक्शन ऑफ फेशियल नर्व इसको टेस्ट करने के लिए आपने पेशेंट के फेस को ऑब्जर्व करना है उसकी सिमेट्री को देखना है उसके रेस्ट में और उसको बोलना है स्माइल करें ठीक है जब वो स्माइल कर रहा है तब उसके फेस की सिमेट्री कैसी है उसके अलावा उसको बोले कि फ़्रोन करें और उसके बोलना है कि अपनी आईब्रोज को ऊपर करें रेस करें तब आपने देखना है कि उसकी सिमेट्री इक्वल है या नहीं है उसके बाद आपने क्या करना है पेशेंट के क्लोज आकर क्या करना है उसके दोनों आइज़ को टाइटली क्लोज करना है उसके बाद आप उसके मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको पलपेट करके चेक करेंगे और एक रेजिस्टेंस में आप उसको बोलेंगे यानी जिस तरह से इस नर्स ने इस पेशेंट के आइस के ऊपर और उसके नीचे अपने हाथों से प्रेस किया है और उसको बोल रही है कि अपनी आइस को ओपन करें तो इससे क्या होगा आप इससे उसके मसल्स की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकती हैं तो ये होगा इसका मोटर कंपोनेंट फेशियल नर्व का उसके बाद है एक्ोस्टिक नर्व जिसमें हम हियरिंग और बैलेंस को टेस्ट करते हैं अब इसको भी टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं अब हम अगेन पीछे नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस इस चैप्टर में हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ सिंपल में मैं आपको बता रही हूँ कि जो वेबर टेस्ट है इसमें आप ट्यूनिंग फोर्क को आ, ट्यूनिंग फोर्क जो क्या प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है इसमें वेबर टेस्ट में आप बोन कंडक्शन चेक करते हैं और जो रीन्यू टेस्ट है इसमें आप क्या चेक करते हैं कंपैरिजन करते हैं कि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में किस तरह से आपको जो वाइब्रेशन हैं वो फील हो रही हैं ओके देन आपने ग्लोसोफेरेंजल और वेगस नर्व को साथ में असेस करना है क्यों क्यों असेस करना है क्योंकि ये दोनों नर्व की इनरवेंशन होती है कहाँ पर फेरिंग्स में इसीलिए इन दोनों नर्व्स को आपने एक साथ ही असेस करना है सो so आपने पेशेंट की सबसे पहले वॉइस को लिसन करना है देन चेक करना है उसका गेग रिफ्लक्स अब गेग रिफ्लक्स किस तरह से आप चेक करेंगे बाय टचिंग द टिप ऑफ टंग ब्लेड अगेंस्ट इट पोस्टीरियर फेरिंग्स एंड आस्किंग हिम टू ओपन वाइड एंड से आ ठीक है उसको आ करवा उसके माउथ को ओपन करवा के आपने आ, जो टंग ब्लेड है उससे उसकी टिप से आपने उसके जो पीछे फे पोस्टीरियर फेरिंग से वहाँ पर टच करना है जब वहाँ पर आप टच करेंगे तो उसको गैग रिफ्लक्स होगा ठीक है तो इस तरह से आप उसके गैग रिफ्लक्स को चेक करेंगे देन वॉच फॉर सिमेट्रिकल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड यूव्यूला एंड द मिड लाइन पोजिशन आप मिड लाइन पोजिशन फॉर द यूब्यूला ठीक है सिमेट्रिकली आपने देखना है कि क्या वो सिमेट्रिकली अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं सॉफ्ट पैलेट और यूब्यूला और क्या यूव्यूला अपनी मिडल लाइन पोजिशन पर प्रेजेंट है या नहीं है तो इस तरह से आप ग्लोसोफेरेंजल और वेगस नर्व की असेसमेंट करेंगे देन हमारे पास नर्व है स्पाइनल एसेसरी नर्व स्पाइनल एसेसरी नर्व में आप असेस करेंगे स्पाइनल एसेसरी नर्व बाई टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्टर्नोक्लाइडोमेस्ट्रॉइड मसल्स ठीक है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो स्पाइनल नर्व है उसका काम किया होता है बेसिकली ये शोल्डर की मूवमेंट में हेल्प करती हैं ठीक है तो उसी लिये आपने इनके मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करना होता है कौन से मसल्स स्टर्नोक्लाइडोमेस्ट्रॉयड मसल ओ इन अपर पोर्सन ऑफ ट्रेपीजियस मसल्स ओके देन हमारे पास सेकेंड नर्व है जिसको हम लास्ट uh, नर्व है जो हमारे पास हाइपोग्लोसल हाइपोग्लोसल में आपने ऑब्जर्व करना है पेशेंट की टंग की सेमेट्री को ठीक है क्योंकि हाइपोग्लोसल का काम क्या है सिंपली मूवमेंट ऑफ टंग इसीलिए आप पहले तो टंग की सिमेट्री को चेक करेंगे द टंग शुड बी मिड लाइन जो टंग है वो मिड लाइन पर होनी चाहिए उसके अलावा विदाउट ट्रिमर्स और फेस्टिकुलेशन ये क्या है ये एबनॉर्मल साउंडस हैं जो आपको मिल मिलेंगे टंग के ऊपर ये नहीं होने चाहिए अगर आप वो नॉर्मल चाहते हैं उसके बाद टेस्ट टंग स्ट्रेंथ बाय आस्किंग द पेशेंट टू तो पुश हिज टंग अगेंस्ट हिज चीक एज यू अप्लाई रेजिस्टेंस अब आप उसकी टंग की स्ट्रेंथ को असेस करेंगे किस तरह से असेस करेंगे पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी टंग को पुश करें अगेंस्ट इस चीक जब आप उसके ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करें किस तरह से करेंगे यहाँ पर आ जाते हैं सो टेस्टिंग मसल स्ट्रेंथ प्लेस योर पाम अगेंस्ट द पेशेंट चीक पेशेंट के चीक के अगेंस्ट आप अपना पाम रखेंगे उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि टर्न हेड अगेंस्ट योर रेजिस्टेंस एज शोन देन प्लेस योर हैंड ऑन द पेशेंट शोल्डर सॉरी ये वाले जो टेस्ट है ना ये स्पाइनल एसेसरी नर्व की है ठीक है बाकी इसमें तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है कि जो टंग की मूवमेंट है आप चीक के cheek के बाहर जो है ना अपना हैंड जो है वो अप्लाई करेंगे उसके बाद उसको बोलेंगे कि टंग को मूव करवाएँ उस और उसको पुश करवाएँ अगेंस्ट द चीक ओके ये जो है ना ये स्पाइनल असेसरी की है जिसमें आप क्या असेस करते हैं उसके मसल्स की स्ट्रेंथ असेस करते हैं ठीक है सबसे पहले आप पेशेंट के चीक के अगेंस्ट अपना पान रखें पाम रखेंगे यानी हैंड की जो नीचे वाली साइड है उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हेड को टर्न करें अगेंस्ट ठीक है अगेंस्ट यूर रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है फिर प्लेस यूर हैंड ऑन पेशेंट शोल्डर एंड आस्क हिम टू श्रक हिज शोल्डर अगेंस्ट यूअर रेजिस्टेंस फिर आपने उसके शोल्डर्स के ऊपर हाथ रखना है हाथ रख के प्रेस करना है फिर उस, आ, उसको बोलना है कि अपने हेल, आ, जो शोल्डर से उसको श्रक करें अगेंस्ट यूअर रेजिस्टेंस देन रिपीट ईच टेस्ट ऑन अदर अदर साइड कंपेयरिंग मसल स्ट्रेंथ अब ये दोनों साइड्स में आपने टेस्ट करनी है Uh, क्योंकि आपने कंपेयर करना होता है कि कौन सी में चेंजेस हैं यानी किसका मसल टोन ज़्यादा था किस में इस्ट्रेंग्थ ज़्यादा थी तो इस तरह से आप इनके मसल्स की स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हो गई हमारे पास क्रेनियल नर्व्स की असेसमेंट उसके बाद हम सेंसरी नर्व्स की असेसमेंट करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आई होप कि आपको क्रेनियल नर्व्स की असेसमेंट क्लियर हो गई है इस वीडियो में सो so, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह